नमस्कार। स्वागन महिलाओं और स्त्रियों का मुख्य श्रृंगार है बिंदी। बिंदी के बिना स्त्री अधूरी मानी जाती है। बिंदी सुहाग की निशानी मानी जाती है, जिसके अंदर कष्टों को दूर करने की अपार शक्ति होती है। बिंदी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। आज मैं आपको बिंदी से किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, इसलिए अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये बिंदी आपकी निर्धनता, आपकी गरीबी, आपकी कंगाली को चुटकियों में समाप्त कर सकती है। मैं जो भी जानकारी बताता हूँ आपको प्राचीन जानकारी बताता हूँ, लोगों के द्वारा इस्तेमाल की हुई प्राचीन जानकारी, जिससे लोगों ने फायदा उठाया है वो जानकारी बताता हूँ। आप इसे इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। शास्त्रों में लिखी इस जानकारी को अपनाकर आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। कई बार मेहनत करने के बाद भी जीवन में इतने दुख तकलीफ बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति को कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अगर आपका भी धन दौलत बर्बाद हो चुका है, धन आने के सभी मार्ग बंद हो गए हैं, तो आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ ये जो मैं बिंदी का प्रयोग आपको बताने वाला हूँ, आप ये प्रयोग करें, आपकी किस्मत बदल जाएगी। बिंदी का प्रयोग आपको करना किस प्रकार है ये जानने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। जीवन में अगर सभी मार्ग बंद हो जाए, कोई भी रास्ता नजर ना आए, धन आने का कोई मार्ग खुला ना बचे, तो आपने निराश नहीं होना है। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आपको 9 अलग अलग रंग की बिंदियां लेनी है और इन बिंदियों को लेकर माता दुर्गा के मंदिर में आपको चले जाना है पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ, और नव दुर्गा को ये बिंदियां अर्पित कर देनी है। आपको माता दुर्गा के 9 रूपों को 9 अलग अलग रंग की बिंदियां भेंट करनी है, चढ़ानी है। इससे आपके जीवन में जो भी संकट परेशानियां चल रही हैं उसका तुरंत निदान होगा। माता की शक्ति से आपको तुरंत लाभ मिलेगा, आपकी परेशानियां चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। नवरात्रि के समय में माता दुर्गा को और माता लक्ष्मी को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाने से भी मनोकामना की पूर्ति होती है। अगर कोई आपकी इच्छा काफी समय से अटकी पड़ी है, आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप नवरात्रि में ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करना है, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ ये उपाय करें। 3 से 9 वर्ष की जो कन्याएं होती हैं, इन्हें माता का स्वरूप कहा गया है, माता लक्ष्मी माता दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। इसलिए शुक्रवार के दिन 3 से 9 वर्ष की कन्याओं को 1 रुपए का सिक्का, बिंदी का पत्ता और लाल रंग की चुनरी भेंट करने से आपकी जो भी दुख तकलीफ संकट है जीवन में वो समाप्त होते हैं। अगर आप कर्ज तले दब गए हैं, आपके ऊपर कर्जे का भार बहुत ज्यादा है, तो वो कर्जा उतर जाता है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, धन की प्राप्ति होती है। देवी की उपासना से अगर आप मांगलिक है, मंगल दोष से परेशान है, तो उसमें भी शांति होती है, शनि दोष दूर होता है, जीवन में चल रही तमाम प्रकार की बाधाओं से आपको राहत मिलती है। 2 लाल रंग की चूड़ी और 2 बिंदी, ये आपने जोड़े में करना है। 2 लाल रंग की चूड़ी और 2 बिंदी, आपको चूड़ियों को पीपल के वृक्ष में बांधना है और जो बिंदियां हैं उसे पीपल की जड़ में चढ़ा देना है। कोई नया पीपल का वृक्ष ना हो, थोड़ा ऐसा देखे कि पीपल का वृक्ष थोड़ा काफी समय पुराना हो, बड़ा घना वृक्ष होना चाहिए पीपल का। इसे चढ़ाने के बाद आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, आपकी जो भी इच्छा जो मनोकामना है आप बोल सकते हैं। आपकी धन की इच्छा है धन मिलेगा, यश की इच्छा है यश मिलेगा, जो आप चाहे मांग सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, मालामाल होना चाहते हैं, तो सुहागिन महिला को आपको 2 पत्ते लाल रंग की बिंदी के भेंट करने हैं। सुहागिन स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन सुहागिन स्त्री को 2 पत्ते लाल रंग की बिंदी अर्पित करता है, माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती है, उसके घर में आकर निवास करने लगती है, उसकी इच्छा मनोकामना पूर्ण करती है, उसकी निर्धनता उसकी दरिद्रता उसकी गरीबी को जलाकर राख कर देती है माता लक्ष्मी। ये थी छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। जय माँ काली।